प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। रेलवे ने 1 जून से 200 सामान ट्रेन चलाने का ऐलान किया और शुक्रवार से ऑफलाइन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई। देश के कई हिस्से से टिकट खरीदने उमड़ी भीड़ ने सुर्खियां बटोरी। अगर बात पटना की करें तो यहां पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे पटना जंक्शन के काउंटर पर भीड़ नहीं देखी गई। इक्का दुक्का लोग ही टिकट खरीदते देखे गए। कोरोना संकट के बाद जारी लॉकडाउन को देखते हुए पटना जंक्शन परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। पटना जंक्शन पर अमूमन ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता, लेकिन लॉकडाउन में लोग घरों में हैं और ऑफलाइन टिकट खरीदने से हिचक रहे हैं। दरअसल आरक्षित टिकट के लिए पटना जंक्शन पर 4 काउंटर खोले गए। टिकट बुकिंग के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की गई ताकि किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो। इसके बावजूद लोग ऑफलाइन टिकट खरीदने से परहेज कर रहे हैं। कम से कम पटना जंक्शन पर दिखे नज़ारे को देखकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है। 1 जून से रेलवे सर्विस शुरू हो रही है। सरकार ने तकरीबन 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। मैंने भी अपने घर जाने के लिए पर टिकट बुक कर लिया है। टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक किया है क्योंकि स्टेशन पर जाके टिकट बुक करना कतई भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। जब टिकट ऑनलाइन बुक हो सकती है तो हम क्यों जाएं बाहर। साथ ही मैं इसके लिए सरकार का बेहद धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इसके कारण मेरे घर जाने का रास्ता साफ हो सका है। इसके साथ ही अब चूंकि रेलवे ने सभी सीटों के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है तो मैं यात्रियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी वो बाहर निकले अपने यात्रा के लिए तो वो अपना ध्यान स्वयं रखें क्योंकि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होने वाला है। इसलिए अपने मास्क सैनिटाइजर लेके ही यात्रा करें। शुक्रवार को पटना जंक्शन पर दिखे नज़ारे ने पुराने दिनों की याद दिला दी, जब स्टेशन पर चहल पहल रहती थी। दिन रात का फर्क मिट जाता था। स्टेशन पर हमेशा भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से पुराने दिन याद बनकर रह गए। लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन टिकट खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के कारण आने वाले कई दिनों तक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि रेलवे ने यात्रा करने के लिए पहले से तय नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब ट्रेन के खुलने से 4 घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाएगा। दूसरा चार्ट ट्रेन खुलने के तय समय से 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। पहले और दूसरे चार्ट बनने के बीच केवल ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई देने वालों को ही सफर की अनुमति दी जाएगी। कन्फर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में प्रवेश की इजाज़त मिलेगी, जबकि यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यात्रियों को 90 मिनट पहले ही पहुंचना होगा। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।